अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू साइमा बेस ब्लॉग 38। सो गाइस, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं जॉब पे से आया हूँ और आज पक रहा है मेरा मनपसंद डिश चपली कबाब। सो मैडम तैयारी में लगी हुई है, मसाला वगैरह सब कूट के बैठी हुई थी। तो खाने के बाद मैंने बोला क्या कर रही है, क्या बना रही है, तो इतफाक से मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं ही ऑर्डर देके गया था क्या बनाना। मैं आके पूछ रहा हूँ क्या बनेगा, क्या बनाया आपने? तो चपली कबाब बन रहा है, माई स्पेशल माई फेवरेट यार, मज़ा आ जाएगा। ये बर्तन धो रही है बावली, ये बर्तन धो लें तो अपनी जगह पे आएंगी। तो यानी कि क्या कहलाता है, कोयले पे कोयला चपली कबाब, कोयला चपली कबाब। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोयलों का दौर है, गैस का दौर तो है नहीं, हम दोबारा गांव में आ चुके हैं, गांव वाली लाइफ जी रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये है कि गांव वाली लाइफ में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी आ रहा है। एक चीज़ की कमी है हमारे पास, कमी क्या है यार, वो मिट्टी वाली जो है ना वो लानी है, क्या पतीली, हाँ मिट्टी की पतीली लानी है। उसमें खाना ऐसा बनेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओ, इतना मज़े का बनेगा। मेरी नानी पकाती थी जब मेरे ख्याल में 99 में या 2001 में की बात है, कोयलों पे बनता था। तो यार वो खाना था आज तक नहीं भूला, जबकि मेरी उम्र भी इतनी नहीं होगी, थोड़ी समझदारी आई थी बस। सो गाइस, क्या हुआ? तो गाइस ये तैयारी शुरू हो गई, पहले तो रोटियां पक रही हैं, वरना तो फिर तवा ख़राब हो जाएगा। तवे पे तो कबाब डालने हैं, क्योंकि हमने गैस के जाकर लकड़ियां खत्म हो जाएंगी जल जल के। सो गाइस, ये तैयारी शुरू हुई है, तो है ना इस इधर की रोटी तो बनती तो सही है, लेकिन बीच में से आपको मैंने सुबह भी बताया था, बीच में से परांठे नहीं, हल्के हल्के से कड़कपन हो जाती है ना, देखो ये भूसी टुकड़े भी जो है ना, इसलिए वजह से जमा भी हो जाते हैं। अब लकड़ियां भी एंड हो गई, और लानी है बिल्कुल कोने में एंड हो चुका है, वो देखें कितनी सी लकड़ियां बची हैं बस। बाहर निकलना की असल में गीला कीमा हो रहा है ना, तो गाइस ये हमारे कबाब पकते हुए तो अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। नहीं हाँ, यहाँ मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है भाई, बार बार जो है ना लकड़ियाँ सेट करते रहो। मैं तो दूर ही खड़ा हूँ यार बेगम, इतनी दूर तक छींकते हैं। ये वाला गाना यहां पे इतना बना हुआ है, मगाया था खराब हो गया।
अच्छा लग रहा है इसका। आप तो सारी रूह खींच लोगे इसकी क्या? पूरी रूह खींच ली मैंने। आपको भूख लग रही है ना? अब क्या करें? अब लाइट भी तो इतनी देर इतनी आती है। गाइस यहाँ लाइट बहुत जाती है। हाँ, एक घंटे बाद 3 घंटे नहीं, 3 घंटे जाती है, सिर्फ 2 घंटे आती है। 3 घंटे आती है सुबह से, जो तंग करना शुरू होती है ना, रात को 12 बजे तक तंग करती है। यानी कि 12 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे की लाइट मिलनी है हमें दिन के अंदर। रात के अंदर लाइट नहीं है, रेगुलर आती है पूरी। दिन के अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। फाइनल लुक के साथ मिलते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लें। ओके सो गाइस, हमारे बिल्कुल रेडी हो गए कबाब। यार शेप कितना खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। ये हमारी सैलेड, ये हमारा रायता, हमारी रोटी। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी वगैरह, और कबाब कैसे लग रहे हैं दिखने में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकता। तो फिर आपसे किसी नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।